बसमिल कानेटिक्स ऑफरेज बॉडीज़ में आज हम ये पहला प्रॉब्लम करेंगे इसकी स्टेटमेंट है दैट अ फोर्स ऑफ हंड्रेड न्यूटन इज अप्लाइड टू सेंटर ऑफ अ सर्कुलर डिस्क मास टेन के जी एंड रेडियस वन मीटर रेस्टिंग ऑन अ फ्लोर एज शोन इन द फिगर इफ़ द डिस्क रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन द फ्लोर फाइंड द लीनियर एक्से सेंटर ऑफ द डिस्क ये एक सर्कुलर डेस्क इसकी सेंटर पर 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है इसकी मास 10 के है और रेडियस वन मीटर है अब ये जो सर्कुलर डेस्क है इट रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन दिस फ्लोर तो आपसे कहा गया है कि इसी सेंटर पे, इसी सेंटर पे इस डेस्क की सर्कुलर डेस्क की जो एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन है वो आप फाइंड कर लें तो पहले आ, हम क्या करेंगे कि गेवन डेटा को ले लेंगे फिर क्या करेंगे कि काइनेटिक डायग्राम इससे रिलेटेड जो काइनेटिक डायग्राम बनता है वो हम बना लेंगे फिर एफ ऑफ एक्स सेन एफ ऑफ वाई इससे हम एक्सेलरेशन को फाइंड करने की कोशिश करेंगे अच्छा जी मास हमारे पास टेन के जी है आर इज इक्वल टू वन मीटर एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन मालूम करनी है अब ये आपकी सर्कुलर डेस्क है हंड्रेड न्यूटन एट ऐट सेंटर ऑफ द सर्कुलर डेस्क अप्लाई हो रही है अब यहाँ पे क्या है कि आ, मास इसकी टेन के जी है जब मास टेन के जी है तो यहाँ पे वेट बन जाएगा डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एम जी एंड एम जी मीन्स टेन इंटू नाइन पॉइंट तो डब्ल्यू इज इक्वल टू टेन इंटू नाइन पॉइंट एट वन न्यूटन मीन्स इट विल बी इक्वल टू नाइन्टी एट पॉइंट वन न्यूटन तो वेट हो गया अब वेट के लिए नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा तो ये नॉर्मल रिएक्शन है आप देख लीजिए यहाँ पे आपका नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा वेट के बिल्कुल अपोजिट अच्छा जी अब अब आप देख ले कि ये कोई डेस्क है या जो भी है यहां पे ये रोल कर रहा है तो यहां पे कोई फ्रैक्शनल फोर्स भी होगा यहां पे जो फ्रैक्शनल फोर्स है इसी डेस्क में इसी सरफेस में उसको हम एफ आर से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आपका ये आपका हो गया एफ आर फ्रैक्शनल फोर्स विच विल एक्ट ऑपजिट टू द एक्चुअल फोर्स या एक्चुअल मोमेंट तो ये आपकी फ्रैक्शनल फोर्स हो गई ये कैनेटिक डाइग्राम बन गई अच्छा जी अब मैं क्या करूँगा समिशन एफ ऑफ एक्स और समिशन एफ ऑफ वाई की तरफ आऊँगा लेकिन पहले आप देख लें कि इट इज़ प्योर रोलिंग स्टेटमेंट में कहा गया है कि द डिस्क रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन द फ्लोर When it is pure rolling, so we need to calculate mu to F R is equal to मीओ N to एन तो हमें फिर म्यू की जरूरत भी यहाँ पर पड़ेगी कि यहाँ पर सर्विस के लिए म्यू की वैल्यू क्या है अच्छा यहाँ पर देख ले मैं पहले आता हूँ सेमिशन एफ ऑफ वाई की तरफ तो सेमिशन एफ ऑफ वाई इज ुलल टू ज़ीरो यहाँ पे देख ले सेमिशन एफ ऑफ वाई इज एक टू जीरो तो एक मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन है यहाँ पे और एक यहाँ पे क्या है वेट डब्ल्यू है सो so, अगर मैं वेट को नीचे पॉजिटिव ले लूँ सो so डब्ल्यू या अगर मैं नीचे इसी तरह कर लूँ कि ऊपर मैं पॉजिटिव वैल्यू लूँगा वाई की ओर नीचे नेगेटिव लूँगा यहाँ पे मैं पॉजिटिव लूँगा और यहाँ पे मैं नेगेटिव लूँगा अच्छा तो यहाँ पे आप देख ले, ऊपर ये आ, जो नॉर्मल डिलेक्शन है ऊपर की तरफ है पॉजिटिव लूंगा वेट नीचे की तरफ है नेगेटिव लूंगा ज़ीरो डब्लीव को मैं वहाँ पे शिफ्ट कर दूँगा सो एन इज़ एक टू डब्ल्यू और डब्ल्यू की वैल्यू आपके पास है नाइन्टी एट पॉइंट वन न्यूटन सो एन नॉर्मल रिएक्शन विच इज़ इक्वल टू द वेट इन दिस केस अब मैं आता हूँ सन एफ ऑफ एक्स की तरफ अच्छा समिशन एफ ऑफ एक्स की तरफ आप देख ले इस डाइग्राम से समिशन एफ ऑफ एक्स अब यहाँ पे हमने जीरो इसलिए लिया था क्योंकि वर्टिकली कोई मूवमेंट नहीं था अब यहाँ पे हॉरिजेंटली मूवमेंट है तो मैं यहाँ पे ज़ीरो नहीं लिखूँगा बल्कि एम ए लिखूँगा एंड ए विल be equal टू ए सी मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द डेस्क क्योंकि फोर्स यहाँ पे अप्लाइड हो रही है एट सेंटर ऑफ़ द डेस्क तो यहाँ पे मैंने एम ए सी वैल्यू लेनी है आप समन एफ़ ऑफ एक्स को देख ले अब आ, जो फोर्स है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में देट इज़ हंड्रेड मींस पॉजिटिव हंड्रेड न्यूटन फिर जो फोर्स है नेगेटिव डायरेक्शन में वो है एफ आर सो हंड्रेड माइनस एफ आर हॉरिजेंटल की तरफ ये दो फोर्सेस है मास की वैल्यू टेन है और ए सी हमने मालूम करनी है ए सी इज़ एक्सेलेशन ऑफ सेंटर ऑफ द डिस्क इट इज़ नॉट सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन अच्छा इसको मैं इक्वेशन वन का नाम देता हूँ अब यहाँ पे देख ले ए सी भी अन है एफ़ आर भी अन है और एफ़ आर के लिए हमारे पास म्यू की वैल्यू गेवन नहीं है वी नीड टू तो कैलकुलेट म्यू जब म्यू की वैल्यू गेवन नहीं है तो हम एफ आर इज इक्ल टू म्यू एंड वहाँ से मालूम नहीं कर सकते तो इसके लिए अब मैं क्या करूँगा सब एफ आफ एक्स और एफ आफ वाई ये भी ख़त्म हो गई अब मैं मूमेंट्स की तरफ आता हूँ समीशन ऑफ मोमेंट तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा समेषन ऑफ मोमेंट ले लूँगा एंड देट विल बी एट देंटर ऑफ द डे सो सबिशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आई एट एट पॉइंट सी ले लूँगा अब ये इस सेंटर पर मैं मोमेंट्स को ले लूँगा अब यहाँ पर आप देख ले वेट को देख ले नॉर्मल रिएक्शन को देख ले और हंड्रेड न्यूटन फोर्स को देख ले ये तीनों फोसेज हैं दिस थ्री फोर्सेज पासिस थ्रू द सेंटर ये सेंटर की तरफ जो है वो अप्लाइड हो रही है तो यहाँ पे इनका जो मूवमेंट होगा वो ज़ीरो होगा दिस फोर्सेज पासीज थ्रू द सेंटर बट द बॉडी इज रोलिंग अब आप देख ले कि स्टेटमेंट में कहा गया कि बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है तो ये जो प्योर रोलिंग है इट इज़ ड्यू टू दिस फ्रैक्शनल फोर्स अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होती या अगर इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है तो देन इट कैन नॉट रिवॉल्व तो ये रिवॉल्व नहीं हो सकती ये फिर ट्रांसलेट होगी तो आपने ये जहन में रखना है कि अगर मैं मोमेंट्स को लूँगा तो इन तीनों का मोमेंट ज़ीरो होगा क्योंकि ये सेंटर से पास होगा ये भी सेंटर से पास हो रहा है तो जो इसके लिए मूवमेंट आम है वो ज़ीरो है इसके लिए भी मूवमेंट आम जीरो है इसके लिए भी मूवमेंट आम ज़ीरो है सो so, यहाँ पे इनका मूवमेंट जीरो है तो मैं इनको कंसीडर ही नहीं करूँगा अब एफ आर जो कि प्योर रोलिंग में हिस्सा ले रहा है मींस के बॉडी जो रोल हो रही है ये इसी एफ आर की हो आ, की वजह से हो रही है अब एफ आर के लिए जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है या जो मूवमेंट आम है सेंटर से यहाँ पर देख ले तो देट इज़ इक्वल टू कैपिटल आर रेडियस विच इज़ वन मीटर तो अब प्योर मोमेंट जो है वो फ्रैक्शनल फोर्स की वजह से हो रही है तो ये फोर्स है एंड मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म तो मोमेंट आर्म इसके लिए सेंटर से देख ले तो रेडियस है अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे इस डायग्राम को देख ले ये सेंटर है ये इसका रेडियस है और ये एफ आर है तो ये एफ आर मीन्स के फ्रैक्शनल फोर्स इंटू मोमेंट आर्म तो यहाँ पे एफ आर इन आर है अब ये ये मसला हल हो गया अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए सर्कुलर डिस्क उसके लिए हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी फॉर ए सर्कुलर डिस्क इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू तो आई सी की जगह मैं लगा लूंगा एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू अब एल्पा की वैल्यू मालूम करनी है तो एल्पा फॉर प्योर रोलिंग मैं लिख सकता हूँ फॉर प्योर रोलिंग प्योर रोलिंग के लिए जो लीनियर टू रोटेशनल कन्वर्जन है फार्मूला है वीज एक टू आर ओमेगा एंड एज एक टू आर एल्पा तो प्योर रोलिंग के लिए वीज एक टू आर ओमेगा एंड एज एक टू आर एल्पा तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि एल्पा की जगह मैं लिख सकता हूँ ए बाई आर और ये जो आर है तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो इसके लिए कैपिटल आर है तो स्मॉल आर की जगह मैं लिख लूँगा कैपिटल आर क्योंकि गेवन यहाँ पे कैपिटल आर है मींस वन मीटर तो एल्पा की जगह मैं लिख लूँगा ए बाई आर क्योंकि प्योर रोलिंग से ये वैल्यू आ गई ए बाई आर अब यहाँ पे देख ले मैंने सिंपली क्या कर दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह मैंने एम आर स्क्वायर बाय टू लिख लिया क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय टू है एल्पा की जगह मैंने ए बाई आर लिख दिया और मोमेंट सिर्फ एफ आर की वजह से हो रही सो तो दैट इज इक्वल टू तो एफ आर इन टू मोमेंट अच्छा जी अब यहाँ पे देख ले ये वाला आर इस आर के साथ ख़त्म हो जाएगा एक आर के साथ अब ये दूसरा आर है तो ये इस आर के साथ ख़त्म हो जाएगा तो रेडीज या सिंपली ख़त्म कर दे या इसमें वैल्यू वन वन पुट कर दे तो जब मैं वन यहाँ पे पुट कर दूंगा वन यहाँ पे वन यहाँ पे तो ये ऑलरेडी वन वन तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सेम वही आंसर आ जाएगा अब ये यह यहाँ पे आ जाएगा एफ आर यहाँ पर एम ए रहेगी अब एम ए डिवाइडेड बाई टू अब एम की वैल्यू आप पुट कर ले एम इज़ इक्ल टू टेन के जी सो टेन बाई टू एंड ए तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एफ़ आर की वैल्यू आ गई आपके पास एफ आर की वैल्यू आ गई यहाँ पे फाइव आ जाएगा सो तो फाइव ए सो तो तो एफ आर इज़ इक्वल टू फाइव ए अब इसको मैं इक्वेशन नंबर टू का नाम देता हूँ अब पुट दिस इक्वेशन नंबर टू इन इक्वेशन नंबर वन और हमारे पास ए सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी फुट इक्वेशन टू इन इक्वेशन नंबर वन तो इक्वेशन नंबर वन में मैं क्या कर लूँगा हंड्रेड अपनी जगह पर आ जाएगा एफ आर की जगह मैं लगा लूँगा माइनस फाइव ए एंड ए विल बी ए सी बिकॉज जो मोमेंट है वो हमने सेंटर से लिया था तो यहाँ पर टेन ए सी आ जाएगा यहाँ पर देख लें टेन ए सी अब आप क्या कर ले फाइव ए सी को वहाँ पर शिफ्ट कर दे तो यह आ जाएगा हंड्रेड इज़ इक्ल टू फिफ्टीन ए सी ए सी मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ़ सेंटर ऑफ़ सर्कुलर डिस्क 15 को बोथ साइड डिवाइड कर दे तो ए सी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द सर्कुलर डिस्क है जो हमसे कहा गया है कि आप फाइंड कर ले दैट इज़ इक्वल टू 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर